हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 37 प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं फ्रॉम मिलियन माइंड्स बुक से. ओके, सो लेट्स बिगिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफर एपिथेट. निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफर एपिथेट का एग्जांपल है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स वेरी वे. ओके, एपिथेट मीन्स क्या होता है, एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट. इलियट्स अ गेम ऑफ चेस. इलियट्स की जो अ गेम ऑफ चेस है एंड्स विद रिपीटेड गुड नाइट्स टू लेडीज. इलियट्स की जो अ गेम ऑफ चेस है वो समाप्त होता है, वो समाप्त होता है महिलाओं को बार बार शुभ रात्रि के साथ, वो क्या होता है, समाप्त होता है. विच शेक्सपियरियन प्ले डज इट रिमाइंड अस ऑफ. शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो हमें यह याद दिलाता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हैमलेट. ओके, नेक्स्ट. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. हमको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हैमरेज. एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे भी बताना है कि इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है. सो हमारा ए इज करेक्ट हेयर हो जाएगा, कॉन्सपिक्यूस. कॉन्सपिक्यूस मीन्स क्या होता है, विशिष्ट. क्या होता है, विशिष्ट. नेक्स्ट, सीजेरियन की हमको यहाँ पे स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है. सो यहाँ पे सी इज करेक्ट हेयर, सी ए ई एस ए आर ई ए एन, सीजेरियन. ओके, यहीं पे देख लेते हैं, इसमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है. तो यहाँ पे भी ए इज करेक्ट हेयर है, एफिशियंट. एफिशियंट मीन्स क्या होता है, कुशल. ठीक है, किसी काम में दक्ष होना या कुशल होना. सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हेयर. ओके, नेक्स्ट. आगे क्या है, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग, सुवेनियर की कौन सी स्पेलिंग सही है. तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमारी ए हो जाएगी, सुवेनियर की स्पेलिंग हमारी ए सही है, एस ओ यू वी ई एन आई आर. सुवेनियर मीन्स क्या होता है, यादगार. क्या होता है, यादगार या निशानी. ओके, नेक्स्ट. शेक्सपियर इज अ डैश बाय अर्नोल्ड. शेक्सपियर जो अर्नोल्ड का वर्क है शेक्सपियर, वो क्या है, एक पोयम है या सोनेट है या वर्ड्स पोयम है या वर्ड्स प्रोज है. तो अर्नोल्ड ने जो शेक्सपियर लिखी है वो क्या है, एक सोनेट है. ओके, वो क्या है, एक सोनेट है. बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी का हमको वर्ब फॉर्म बतानी है, डिलीवरी का वर्ब क्या है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, डिलीवरी का वर्ब क्या बनेगा, डिलीवर. ओके, नेक्स्ट. ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्ड अ टोकन गिफ्ट फॉर दियर पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन. हमको यहाँ पे अंडरलाइन वाला जो वर्ड है इसको सही करना है, क्या आएगा यहाँ पे. दियर क्या है, एक पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है. क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है. उस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है. सो हमको यहाँ पे पार्टिसिपेटेड, ये नाउन नहीं, हमको नाउन की एक रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बाय दियर, सॉरी बी नहीं, ए, ए फॉर दियर पार्टिसिपेटिंग. ओके, क्योंकि यहाँ पे दियर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन की रिक्वायरमेंट रखता है. सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, ही वॉज सो लर्न दैट ही हैड सीन नो एवरीथिंग. यहाँ पे शीन नो को हमको सही करना है, क्या यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शीम्ड टू नो हो जाएगा, क्योंकि हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सीम्ड हो जाएगा, उसके बाद ये नॉन फिनिट वर्ब है, टू नो हो जाएगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए. ओके, नेक्स्ट. सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप. हमको बताना है कि इसमें कौन सा राइटर ब्लूम्सबरी ग्रुप के हैं, कौन सा ग्रुप है ब्लूम्सबरी ग्रुप में, कौन कौन से राइटर आते हैं.
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लाइटन स्टैची, वर्जीनिया वुल्फ, ईएम फ्रॉस्टर, रोजर फ्राई, ये आपके ब्लूम्सबेरी ग्रुप में आते हैं। ओके नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वॉज बिटर कोल्ड। तो इसको हमको क्या करना है, करेक्ट करना है इट वॉज बिटर कोल्ड को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इट वॉज बिटरली कोल्ड। ओके बिटर कोल्ड नहीं होगा, बिटरली कोल्ड होगा। नेक्स्ट, द न्यू हेड मास्टर अफेक्टेड मेनी चेंजेस इन द स्कूल। मतलब जो नए हेड मास्टर हैं उन्होंने क्या किया है, स्कूल में कई बदलाव किए हैं। तो यहाँ पे अफेक्टेड नहीं आएगा, इफेक्टेड आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका इफेक्टेड आएगा। ओके जो नए हेडमास्टर है उन्होंने स्कूल में बहुत सारे बदलाव किए हैं, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ स्ट्राइब्ड। स्ट्राइब्ड की हमको एंटोनिम बतानी है, स्ट्राइब्ड मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं, स्ट्राइब्ड मतलब क्या होता है। स्ट्राइब्ड मतलब होता है तंगी, यानी कि शॉर्ट ऑफ मनी, इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी। तो इसका हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रिच। वन मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिच। स्ट्रैप्ड मतलब होता है तंगी, उसका उल्टा हो जाएगा रिच। ओके नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ स्टेरिक इज। एंटोनिम स्टेरिक की हमको एंटोनिम बताना है। स्टेरिक मीन्स क्या होता है, स्टेरिक मतलब होता है गुप्त। ओके इसको आप इंग्लिश में क्लैंडेस्टाइन भी बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है, अल्टीरियर बोल सकते हो, डोरमोंट बोल सकते हो, डोरमेंट डी ओ आर एम ए एन टी, डोरमेंट बोल सकते हो, अल्टीरियर या फिर लेटेंट बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है लेटेंट। ओके तो स्टेरिक मतलब होता है गुप्त, इसका उल्टा हमको बताना है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपेरेंट। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट प्रकट, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसका सिनोनिम आएगा तो क्लियर ही आएगा, यहाँ पे क्लियर भी हो सकता था इसका एंटोनिम, बट यहाँ पे सुटेबल क्या है, एपेरेंट है। ओके नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ स्वा। स्वा इज, स्वा के एंटोनिम हमको बताना है। स्वा मीन्स क्या होता है, बहुत शिष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा शिष्ट या सुशील किस्म का, जो सबका दिल जीत लेता हो इस टाइप का। तो इसका बताना है उल्टा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हट्टी। हट्टी मीन्स क्या होता है, जिद्दी, हट धर्मी जिसको बोलते हैं। ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर वॉज द होमर। शेक्सपियर होमर थे और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट, या वो क्या थे, हमारे ड्रामेटिक पोएट्स के फादर थे। जॉनसन वॉज द वर्जिल। जॉनसन क्या थे, वर्जिल थे, द पैटर्न ऑफ एलेबोरेट राइटिंग। आई एडमायर्ड हिम, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ, ओपाइंस दिस। ये किसका कहना है या किसका मत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइनें हैं यहाँ से अगर एग्जाम में पूछता तो ये वाला यहाँ से पूछता है, एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, तो ये किसका है, जॉन ड्राइडन का है। यहाँ पे हिम किसको बोले हैं, वो बेन जॉनसन को बोले हैं। ओके उन्होंने बेन जॉनसन को यहाँ पे हिम बोला है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, ऑन बींग आस्क्ड बाई द जज इफ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ डिनाइड द चार्ज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जज द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, तो उसने क्या किया, इस चार्ज से, इस आरोप से इनकार किया। जब इस चार्ज की बात आती है ना, किसी भी चार्ज से इनकार करना, तो वहाँ पे डिनाई ही होता है, यहाँ पे हमको रिफ्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ जैसे कोई चीज़ें हम मना कर देते हैं, ऐसे नॉर्मली से मना करते हैं, जैसे हमको कुछ घूमने के लिए जाना है और हमने मना कर दिया, तो वहाँ पर रिफ्यूज़ होता है। रिबट मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के लिए लगता है,
जब किसी चीज़ के लिए हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिबट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चार जो आरोप उस पर लग रहा है उसकी पत्नी के हत्या का, उसने उसको उस आरोप को क्या कह रहा है, मना कर दिया है। तो यहाँ पे डिनाइड अपनी जगह पे सही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, यहाँ से वॉइस का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस किसका करना है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जब भी वन वाला आता है ना, जब वन से ये एक्टिव वॉइस है, और अगर वन से अगर आपका पैसिव वॉइस करना है तो वन आपको पैसिव वॉइस में रिमूव कर देना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ओके प्रॉमिस हो जाएगा यहाँ पे, और शुड मॉडल का तो हो ही जाता है, बी लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो शी इज़ करेक्ट हेयर। वन हट जाएगा क्योंकि वन रिमूव हो जाता है पैसिव वॉइस में। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। आई वॉन्ट टू प्ले हेयर, ये तो एक्टिव वॉइस है। सी नोज हिम वेरी वेल, ये भी एक्टिव वॉइस है। यू कैन नॉट कम्प्लीट इट, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। तो ये तीनों एक्टिव वॉइस है तो डेफिनेटली यही होगा पैसिव वॉइस। सी वॉज अवार्डेड स्कॉलरशिप, यहाँ पे वर्ब है, सॉरी वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हेयर। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, इसमें कौन सा, मतलब ये सेंटेंस में कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द प्रोनंशिएशन ऑफ द वर्ड वॉज नॉट इंटेंडेड बाई द स्पीकर, इंटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, बाई भी लगा है, तो ये तो पैसिव वॉइस है। ओके आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, अच्छा वी आर श्योर टू बी, आर लगा है, टू बी लगा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। ये तीनों पैसिव वॉइस में यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है, सो यहाँ पे सी इज करेक्ट हेयर, माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है। ओके नेक्स्ट, फाइंड आउट द टेंस इन आई रेड हार्डीज नॉवल, मैंने हार्डी के नॉवलों को पढ़ा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल। तो हम यहाँ पे बी पे ही जाएंगे, पास्ट सिंपल है ये। ओके सो बी इज करेक्ट हेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज इकोइज्म, मतलब इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इकोइज्म के रूप में जाना जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ओनोमेटोपिया। ओके ओनोमेटोपिया को इकोइज्म के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, फाइंड सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई चूजिंग द करेक्ट, अब यहाँ पे सिनोनिम वर्ड्स पूछ रहा है, रिपास्ट, रिपास्ट का हमको क्या करना है, सिनोनिम वर्ड्स बताना है। रिपास्ट मीन्स क्या होता है, दावत, दावत या फिर अन्य बोल सकते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो न्यूट्रीमेंट बोल सकते हैं। ओके न्यूट्री मतलब इसका सिनोनिम्स अगर बोलना हो तो न्यूट्रीमेंट्स बोल सकते हैं या फूड बोल सकते हैं। ओके तो ये सारा इसका मतलब दावत होता है, रिपास्ट मतलब, तो करेक्ट आंसर अब बैंक्वेट हो जाएगा। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब बैंक्वेट। ठीक है, शाइन पता ही है आप लोग को, और बी विचड मिस क्या होता है, मोहित, क्या होता है, मोहित। सो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, परकी मिस क्या होता है, परकी मिस होता है हसमुख, कई बेरिंग इसके होते हैं, हसमुख, दिलेर भी होते हैं, साहसिक, बट हमको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे हसमुख ही बोलेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। ओके पक्स क्या होता है, पक्स मतलब होता है सुविधाएं। वन मिनट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीयरफुल, पक्स क्या होता है, इसका मतलब होता है सुविधाएं। ठीक है, ओके और आपका स्लेरिड, यहाँ पे एक मीनिंग और है, स्लेरिड मीन्स क्या होता है, वेतन पाने वाला, क्या होता है, वेतन पाने वाला।
सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था, चीयरफुल था ए। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमिएट। परमिएट मीन्स क्या होता है? परमिएट मतलब होता है रिसना, कोई चीज़ रिसना या चूना या तर करना, ठीक है, कोई चीज़ रिसना या चूना या तर करना होता है परमिएट। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, परवेड। परवेड मतलब भी होता है तर करना या रिसना। ओके और भी देख लेते हैं, पैट्रियोटिक पता ही है, रॉट क्या होता है, रॉट मीन्स होता है सड़न, क्या होता है सड़न गलन, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो स्मेल बोल सकते हैं या फिर इसको फेटर बोल सकते हैं, FETOR। ओके थॉ भी बोल सकते हैं, TH AW थॉ। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था इसका, बी था। इकोइज बताइए, पर्यावरण वाद, यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेंज द वॉइस, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, इसको क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। तो यहाँ पे हिम को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और ये आपका प्लीज्ड पास्ट में है तो वॉज या वर आ जाएगा, तो हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही बन जाएगा ही वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ क्या लगता है, कौन सी प्रेपोजिशन, एट लगता है, सॉरी प्लीज के साथ एट नहीं लगता, सॉरी प्लीज के साथ क्या लगता है, विद लगता है, ठीक है। ओके तो सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, प्लीज के साथ आपका विद प्रेपोजिशन आता है। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, दे मे फिनिश द वर्क शोन, मे आ गया है, जब भी आपका मॉडल आता है तो मॉडल, जब भी आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब आते हैं तो जब भी आपका पैसिव वॉइस में आएगा तो आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस में उसके आगे बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे मे आया तो मे भी हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ही हो जाएगा, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। ओके नेक्स्ट, एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ, कैन नॉट बी एबल, एबल जब आता है ना, एबल तो हम कैन में यूज नहीं करते हैं, कैन आता है तो एबल नहीं आएगा, और एबल आता है तो कैन में हम यूज नहीं करते, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विल नॉट बी एबल। ओके एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ। ओके नेक्स्ट, आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जूरियस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई शुड नॉट, मतलब मुझे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए किस पे, लग्जूरियस पर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ऑन आएगा, ऑन लग्जूरियस। ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडिया इज रिटन बाई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डांटे। ओके नेक्स्ट, चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स 4 ट्रेजेडीज, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, होकम। ओके ऐसे ही हम याद कर लेते हैं, होकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट, अ स्टाइल ऑफ फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब एक स्टाइल है जो फुल ऑफ वर्ड्स होती है, क्या कहलाती है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, वर्बोज। वर्बोज मीन्स क्या होता है, वर्बोज मतलब होता है वाचाल, वाचाल या शब्द बाहुल। ओके और भी देख लेते हैं, ग्रेटिस, ग्रेटिस मीन्स क्या होता है, मुफ्त, क्या होता है, मुफ्त। टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स होता है अस्थाई, और वर्बेटिम, वर्बेटिम मीन्स होता है प्रतिशब्द। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये, और हम कितनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सीन में क्लूज अवेलेबल होते हैं उसे क्या कहते हैं, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरकमस्टेंसल। ओके नेक्स्ट,
आई स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल एटसेट्रा इज नोन एज, मतलब मवेशियों आदि के लिए एक छोटे से बेड़े के रूप में जो जाना जाता है क्या कहलाता है? कोई भी मवेशी हो या तो मवेशियों के लिए एक छोटे से बेड़े के रूप में क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर पिन हो जाएगा, पिन मिस होता है बाड़ा। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, दीज आर योर न्यू शूज आरेंट दे। यहाँ पे हमको आरेंट दे में ये क्या ये सही है? अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं सही है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? जब भी आपका दीज या दोस से शुरू होता है ना, दीज या दोस से सेंटेंस शुरू होते हैं तो क्वेश्चन टैग में आपका दे आता है। क्वेश्चन टैग में क्या आता है इतना तो पता ही है कि क्वेश्चन जब इधर का सेंटेंस आपका पॉजिटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस नेगेटिव में होगा, और इधर का सेंटेंस आपका नेगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में रहेगा, ये तो पता है। लेकिन जब दीज या दोज आते हैं ना सब्जेक्ट में तो इधर वाला जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आएगा वो दे आएगा। ओके और जब दैट या दिस या दैट आते हैं तब आपका इट आता है। खैर यहाँ पे दीज आया हुआ है तो ये सही है अपनी जगह पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, तो यहाँ पे हमको करना है क्या आना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अस एवरीथिंग ही न्यू, यहाँ पे टू नहीं आएगा। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अस एवरीथिंग ही न्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड इन लाइफ। अनलेस से जब भी अनलेस या अनटिल से आपका क्वेश्चन शुरू होते हैं, सेंटेंस शुरू होते हैं, अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये खुद एक नेगेटिव मीनिंग निकालता है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब भी इससे कोई सेंटेंस आता है अनलेस या अनटिल उसमें हम नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट रहता हुआ है तो उसमें हम नॉट नहीं लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर गलती थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस हाउस शेड राइडर टू रीडर योर्स नेवर विल शेड फेयर फेयरर टू फियरर दे आर लुकिंग फॉर यू शेड हियरर टू हॉरर। इन दिस एग्जाम्पल द रिपीटिशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट टेक प्लेस। इस एग्जाम्पल में किसकी सीक्वेंस हो रही है? कॉन्सोनेंट की। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? बात कर रहा है कॉन्सोनेंट की, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, कॉन्सोनेंस। ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू पार्टी। अब नरेशन चेंज करना है, इजी है, तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे सेट टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है, और इसकी जगह पे इफ़ या वेदर आएगा, यहाँ पे इफ आ गया, इस सेंटेंस को हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव में बना देंगे, तो यहाँ पे यू को इससे चेंज कर दिए, सी आ गया, और आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो सी इज करेक्ट हियर। ओके आगे बढ़ते हैं, प्लीज डोंट गो अवे सी सेड। यहाँ पे भी बता रहा है कि प्लीज डोंट गो अवे, मत जाओ उसने कहा, प्लीज यहाँ पे आया है तो हमको क्या करना है? इसको चेंज कर देना है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सी बिगिड मी नॉट टू गो अवे, डू नॉट है तो यहाँ पे आपका डू हट जाता है, सिर्फ नॉट टू आ जाता है, और प्लीज़ को यहाँ पे बिगड में चेंज कर दिया है, बेग्ड में। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वैसे रिक्वेस्टेड में आता है बट यहाँ पे बेग्ड में चेंज किया है। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, उसने उनसे कहा कि ज़्यादा शोर मत करो, यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ही आस्क देम नॉट टू मेक अ नॉइज। ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बुक डी इज करेक्ट हेयर। टी एस एलियट द वेस्ट लैंड इज रिटन इन, टी एस एलियट की द वेस्ट लैंड किस में लिखी गई है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट
रैस अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि वो कॉमिक कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर का कॉमिक कैरेक्टर है जो एक से कई ज़्यादा प्लेस में पाया जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर जॉन फॉल्स्टाफ। ये एक से कई ज़्यादा प्लेस में आते हैं, जैसे मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट सेकेंड दोनों में है ना। नेक्स्ट, केलियार्ड स्कूल इज़ अ टर्म अप्लाइड टू द राइटर्स ऑफ। जो केलियार्ड स्कूल है ये एक टर्म है, अप्लाइड किया गया है राइटर्स के कौन सा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अ क्लास ऑफ रोमांटिक फिक्शन अफेक्टिंग टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ वर्नाक्यूलर कॉमन लाइफ इन स्कॉटलैंड। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट से लिए गए हैं। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो प्रकृति की ओर से होने वाली बहुत अधिक क्षति और दुर्भाग्य के रूप में जाना जाता है, जो प्रकृति की तरफ से बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, मिसफॉर्चून आ जाती है, क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कैलामिटी कहलाता है। कैलामिटी मीन्स होता है या मुसीबत या आपदा। ओके, और भी देख लेते हैं। फसाड, फसाड मीन्स क्या होता है, फसाड मीन्स होता है मुखौटा। अच्छा वर्ड है मुखौटा, इसको अगर हम सिनोनिम्स में लेके आएंगे तो मास्क। ओके, मास्क। और आपका पैन्यूरी, पैन्यूरी मीन्स क्या होता है, पैन्यूरी मतलब होता है कंजूसी या पावर्टी बोल सकते हैं इसको, दरिद्रता बोल सकते हैं। ओके, और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ, फिकंडिटी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ही था। चारों ऑप्शन हम जान लिए हैं क्या होता है। अच्छा, अच्छी मीनिंग थी फसाड की, फसाड मतलब मुखौटा, और पैन्यूरी मतलब होता है कंजूसी या दरिद्रता यानी कि पावर्टी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, सी मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसी को अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है इसी को सही करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, टू मेक हिम अंडरस्टैंड होगा। ओके, यहाँ पे ऐट नहीं होगा, टू होगा, अगर टू के बाद ये नॉन फिनिट हो जाता है। ओके, तो नॉन फिनिट के बाद हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते, टू को छोड़ के बाकी कोई भी प्रेपोजिशन आता है उसके बाद वर्ब आपकी आती है तो वो आईएनजी में आता है, सिर्फ टू को छोड़ के। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म एगोनिस्टिस इन 1869। 1869 में किसने ये टर्म एगोनिस्टिक टर्म को क्वाइंड किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, थॉमस हक्सले। इनको क्या बोला जाता है, टी एच हक्सले। इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस हेनरी हक्सले। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर स्टेटमेंट का ये एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, कोरियोलिनस इज अ डैश हीरो। यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस बुक रोमन, कोरियोलिनस क्या है, एक रोमन हीरो है। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ राउंडल, राउंडल की राइमिंग स्कीम क्या है, राउंडल की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी बी ए, ए बी ए बी, ए बी बी ए, ए ए, ये आपका राउंडल का क्या है, सी वो राइमिंग स्कीम है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी। निम्नलिखित में से कौन सा डार्क कॉमेडी है। वैसे तो डार्केस्ट कॉमेडी जानी जाती है मेजर फॉर मेजर, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि डार्क कॉमेडी कौन सी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया बेस्ट ड्रामाज में से एक जो जाना जाता है डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी के रूप में कौन सा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेजर फॉर मेजर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
चेंज द नरेशन. माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता. मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे पिता कलकत्ता से वापस आए हैं. तो यहाँ पे इसका क्या बनाना है, नरेशन. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. माई फ्रेंड आस्क मी इफ माई फादर, यहाँ पे योर चेंज हो जाएगा, इससे माई हो जाएगा. माई फादर हैड, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में, रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता. सो बी इज करेक्ट हेयर. आगे बढ़ते हैं. राजेश सेड आई बॉट अ कार स्टडी. राजेश ने कहा कि मैंने कल ही एक कार खरीदी है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा. वन मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे. स्टडी को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा. ओके नेक्स्ट. द चेयर सी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल इन दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में टी एस एलियट गिव्स एक्सप्रेशन टू द हेलन ऑफ ट्रॉय. टी एस एलियट हेलन ऑफ ट्रॉय का एक्सप्रेशन देते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एल्यूजन का. ओके ये किसका एग्जाम्पल है, एल्यूजन का. नेक्स्ट. Who argued that Milton deserves credit for making God wicked since the God of Christianity is a wicked God. यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसने ये तर्क दिया है. Who argued that, किसने ये तर्क दिया है कि Milton deserves credit for making God wicked, कि भगवान को यानी कि ईश्वर को दुष्ट बनाने के लिए मिल्टन ही हकदार है, मिल्टन को ही श्रेय जाता है, उन्होंने ईश्वर को दुष्ट बनाया है, wicked बनाया है. Since the God of Christianity इस विग्ड गॉड, आगे क्या कह रहा है, क्योंकि ईसाई धर्म का जो भगवान है वो दुष्ट भगवान है, किसने ये तर्क दिया है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विलियम एम्पशन ने. विच शेक्सपियर प्ले इज कॉन्वर्सेशनल प्ले. शेक्सपियर का कौन सा प्ले एक कॉन्वर्सेशनल प्ले है. करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट. ओके नेक्स्ट. इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर बेनेडिक्ट अपियर. शेक्सपियर के किस प्ले में बेनेडिक्ट नाम का जो कैरेक्टर है वो अपियर है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मच अडू अबाउट नथिंग में. नेक्स्ट. मिल्टन डिफाइंड हिज व्यू ऑफ ग्रीक प्रीफेस टू. मिल्टन अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, परिभाषित करते हैं ग्रीक प्रीफेस में. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस. ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्टिस. यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्टिस को ग्रीक प्रीफेस के अपने विचारों को परिभाषित किया है. नेक्स्ट. द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रीमा. ओटावा रीमा का राइम स्कीम क्या है. करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ए बी ए बी ए बी सी सी. ओके ए बी ए बी ए बी सी सी. नेक्स्ट. वर्ड्सवर्थ इन द सॉलिटरी रीपर एड्रेस इन एन इनानिमेट एंटिटी. वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रीपर में एड्रेस किया है एक इनानिमेट एंटिटी को. क्या As behold her single in the field yon solitary highland lies, reaping and singing by herself, stop here urgently pass. This address is an example of. ये जो address है ये किसका example है, oxymoron या apostrophe या synecdoche या jejuma, किसका example है. So यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, apostrophe का है. Okay यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, B. Next. The lower class was represented in Galsworthy. गॉल्सवर्दी के किस प्ले में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया है. करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द कंट्री हाउस में. नेक्स्ट है. विच अमंग द शेक्सपियरियन प्लेज इज अ ट्रेजेडी ऑफ ब्लड. निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियरियन प्लेज है जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर टाइटस एंडोनिकस है. इसको ब्लडी ट्रेजेडी भी कहा जाता है. ओके नेक्स्ट.
विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन होटल। तो कौन सा प्ले है जो कंट्रास्ट करता है द फेट्स ऑफ वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा द रूफ। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इन अ समर सीजन, यहाँ पे समर है, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सन सनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एलिट्रेशन का। समर सीजन सॉफ्ट सनी, एस 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 करके आ रहा ना, तो ये एलिट्रेशन है। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एलिट्रेशन। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन एगोनिस्टिस किस प्रकार का वर्क है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वर्ड्स प्ले है। ओके नेक्स्ट व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गॉल्सवर्दी इन 1929। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1929 में गॉल्सवर्दी को क्या प्रदान किया गया था। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस, वेयर डू दिज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। क्या कह रहा है कि शिक्षा केवल निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है, ये लाइनें कहाँ पे आती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिल्वर बॉक्स में लाइनें आती हैं। ओके नेक्स्ट द रोट सॉरी हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न ऑफ एडन, फाइव एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक, किसने ये क्रिटिकल वर्क लिखा है द रिटर्न ऑफ एडन, फाइव एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक्स, ये किसने लिखा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ फ्राय, इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, वह एक हार्ट ऑफ स्टोन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, सैनिक डॉच या फिर जेगुमा या सिमली या मेटाफर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये एक मेटाफर है, ठीक है। उसने क्या कह दिया है, उसको हार्ट ऑफ स्टोन ही बोल दिया है कि वह एक हार्ट ऑफ स्टोन है। नेक्स्ट अ डिस्टिंक्शन इज अ मेड बिटवीन अ मिरेकल प्ले एंड अ मिस्ट्री प्ले इन अ कंट्री। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस देश में मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले के बीच अंतर किया जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में। ओके नेक्स्ट फ्रांस में क्या किया जाता है, मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज के बीच में अंतर। विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कौन निम्नलिखित में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ पैलेस टॉवर सूदिंग साउदिंग हर लव लाडेन शोल इन सीक्रेट विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवर फ्लोज हर ओवर। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक लगा हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे सिमली ही होगा। ओके सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड चार्ल्स फर्स्ट साइन द पिटीशन ऑफ राइट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार्ल्स फर्स्ट ने सबसे पहले अधिकारों की याचिका पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, किस वर्ष साइन किए थे चार्ल्स फर्स्ट ने, मतलब अधिकारों की याचिका पर चार्ल्स फर्स्ट ने किस साल किस ईयर साइन किए थे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1628। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1628 यानी कि 1628। नेक्स्ट हिज ऑनर रूटेड इन डिस ऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरन या रिटोरिकल क्वेश्चन, पैराडॉक्स या जेगुमा। तो यहाँ पे हिज ऑनर रूटेड डिस ऑनर स्टूड, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑक्सीमोरन की ही बात कर रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे ऑक्सीमोरन की बात कर रहा है। नेक्स्ट एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द शोल जॉन गॉल्सवर्दी इज अ पोएट, ये किसका, हु मेड द कॉमेंट, ये किसका कॉमेंट है एज अ पेंटर ऑफ द म्यूजिकल सॉरी फिजिकल यूनिवर्स। तो ये आपका लुइस कज़ामियन का है, यहाँ पे कोई भी नहीं है आंसर, ठीक है। बुक में आपका टी एस एलियट दिया हुआ है, बट ये आपका लुइस कज़ामियन का है। ओके ये जो आपका है इसका आंसर हो जाएगा
LOUIS लुइस कजामियन CAZAMIAN इनका है ये स्टेटमेंट किसका है, कमेंट किसका है, ये लुइस कजामियन का है, बट बुक में दिया है T.S. Eliot। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लुइस कजामियन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए यहाँ पे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फॉर एविल न्यूज़ राइट्स पोर्ट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज़ बेट्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, पैराडाइज रिगेन्ड या एगोनिस्टिस या पैराडाइज लॉस्ट या कॉमर्स में। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सैमसन एगोनिस्टिस में आती है लाइनें। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्रेजिंग समवन, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्रेजिंग समवन, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्रेजिंग समवन, मतलब निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी की प्रशंसा से है, तो कौन कौन है जो किसी की प्रशंसा करता है, कौन सा वर्ड ऐसा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पैनेजिरिक। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनेजिरिक। नेक्स्ट द हंड्रेड ईयर्स वॉर वॉज ओरिजिनेटेड इन, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। ओके, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट का यहाँ पे आ गया है हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड इज द एसेंस ऑफ इनुमरेबल बायोग्राफीज, यहाँ पे हिस्ट्री को ही सबसे पहले कैपिटल में लेना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड इज द एसेंस इन इनुमरेबल बायोग्राफीज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट द रिजल्ट डैश अ वॉर इज ओनली डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है। सो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, प्रेपोजिशन ऑफ, द रिजल्ट ऑफ अ वॉर इज ओनली डिस्ट्रक्शन, युद्ध का जो परिणाम होता है वो केवल विनाश होता है। ओके, नेक्स्ट ही डाइड डैश वॉन्ट ऑफ मेडिकल एड, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, उनकी जो मृत्यु हुई है वो मेडिकल एड की कमी से हुई है। तो यहाँ पे कमी की बात कर रहा, ना कि किसी की बीमारी की बात, तो ऑफ तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर डेथ की फ्रॉम लग जाएगा, ही डाइड फ्रॉम वांट ऑफ मेडिकल एड। ऑफ कब लगता है, जब किसी बीमारी से कोई मरता है। ओके, जब कोई बीमारी से किसी की डेथ होती है। नेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स ऑफ्ट इन प्लेजिंग कॉनकॉर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रेचरी, ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं, लव क्वेरल्स ऑफ्ट इन प्लेजिंग कॉनकॉर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रेचरी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सैमसन एगोनिस्टिस ही हो जाएगा, बट बुक में आपका दिया हुआ है, बुक में आपका कॉमर्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे सैमसन एगोनिस्टिस की लाइन है, आप लोग बताइएगा ये किसकी लाइन है। ओके, ये लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्टिस में ही आती है, बट बुक में कॉमर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट वन मिनट, ओके ये हो गया था, आगे चलते हैं। योर एक्शन इज नॉट डैश कन्फर्मिटी विद द लॉ, हमको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है, क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, इन, योर एक्शन इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द लॉ। ओके, नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं इसको भी, सी इज ऑलवेज डैश एंड मिटी विद हर नेबर्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एट, सी इज ऑलवेज एट एंड मिटी विद हर नेबर्स। ओके, नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द idiom, यहाँ पे हमको करेक्ट idiom का बताना है, एक्सप्लेनेशन इन डच, इन डच मीन्स क्या होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इन ट्रबल, इन डच मीन्स क्या होता है,
इन ट्रबल. ओके नेक्स्ट, द ईडियम डू द डच. ये जो ईडियम है डू द डच, इसका मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कमिट सुसाइड. इसका मतलब होता है कमिट सुसाइड. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम बट सॉरी ईडियम आउट ऑफ द फोर एक रिस्पॉन्सेज गिवेन आफ्टर इट. कोल्ड कम्फर्ट, कोल्ड कम्फर्ट का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, पुअर कंसोलेशन. ओके नेक्स्ट, वॉट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन एवरी वर्ड इक दैट ही गेव वॉज सुई जेनरस. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या मतलब है? सुई जेनरस, जेनरस का क्या मतलब है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यूनिक. इसका मतलब होता है यूनिक, अनोखा. ओके नेक्स्ट, वॉट डज द ईडियम किस द रॉड मीन. किस द रॉड जो ईडियम है इसका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एक्सेप्ट पनिशमेंट. क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट पनिशमेंट. ओके नेक्स्ट, व्हेन वन लाइन ऑफ पोएट्री रन्स इनटू द नेक्स्ट विद नो पंक्चुएशन टू स्लो द रीडिंग इट इज़ अ केस ऑफ. यहाँ पे कह रहा है कि जब कविता में जब पोइट्री में यानी कि कविता में एक लाइन दूसरी लाइन में चलती है जो पढ़ने की जो पढ़ने को धीमा करने की कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, पढ़ने का जो धीमा करना का कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, क्या कहलाता है वो? मतलब जब कविता में एक लाइन में ही दूसरी लाइन चलती हो और पढ़ने को धीमा करने के लिए कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक लाइन में ही दूसरी लाइन आ जाती है तो वो हो जाता है इंजैमेंट. ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टोरियन एज. निम्नलिखित में से कौन सा विक्टोरियन एज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशन एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज. ये विक्टोरियन एज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ओके नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर टेल. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रीक प्लेज है जो कि विंटर टेल्स का क्या है? सोर्स है. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ओके एल्केसिड्स. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसशेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ द थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट वर्ड्स वर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द स्पीकर पोजिशन. निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा समराइज किया गया है स्पीकर के पोजिशन का? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेचर एल्ड्स अ प्लेजर सुपीरियर टू दैट ड्राइव्ड फ्रॉम इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी. ओके नेक्स्ट, टू अमंग द फॉलोइंग क्रिटिकल जर्नल्स बिकम स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म. मतलब वो दोनों कौन हैं जो क्रिटिकल जर्नल्स कौन हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म से स्ट्रांगली एसोसिएट है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केनियन रिव्यू. वो जो क्रिटिकल जर्नल्स दोनों वो कौन हैं? केनियन रिव्यू हैं. ओके नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे ये आपका ये दिया हुआ है, ये वन सेकेंड. यहाँ पे क्या कह रहा है फिर से देख लेते हैं कि जो यहाँ पे कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन है वो दोनों जो क्रिटिकल जर्नल्स से न्यू क्रिटिसिज्म जो क्रिटिकल जर्नल्स है उससे न्यू क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बी और सी ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, सदर्न रिव्यू और केनियन रिव्यू. सो यहाँ पे सी इज करेक्ट हियर, बी एंड सी. ओके नेक्स्ट,
द फेमस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन बिगनिंग व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एंड्स विद, जो जॉन मिल्टन का जो फेमस सोनेट है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये किस पे ख़त्म होता है, ये किसके साथ ख़त्म होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इसी के साथ ख़त्म होता है, लास्ट लाइन उसकी है। ओके नेक्स्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका सबटाइटल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल एसोसिएट विद अ रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड से एसोसिएट नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉकनी स्कूल है, लेक स्कूल है, सैटेनिक स्कूल है, बट यहाँ पे फायर साइड स्कूल नहीं है। ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ न्यू एथनीसिटीज़ इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन वॉज एडवांस्ड बाई, जो आइडिया ऑफ न्यू एथनीसिटीज़ है पोस्ट वॉर में, पोस्ट वॉर ब्रिटेन में, इसको एडवांस किया गया है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टुअर्ट हॉल के द्वारा। ओके नेक्स्ट, सारे अब की UGC नेट से क्वेश्चन है। अ न्यू सीरीज कॉल्ड न्यू एसेंट वॉज लॉन्च बाई मिथवेन इन 1977 द फर्स्ट टाइटल, मतलब एक न्यू सीरीज है जिसको कहा जाता है न्यू एसेंट, इसको लॉन्च किया गया है मिथवेन के द्वारा 1977 में, फर्स्ट टाइटल क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म एंड सीम्योटिक्स। ओके नेक्स्ट, वेयर देयर इज लेजियो फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, वहाँ जहाँ फिक्शन के लिए लेज़ियोर हो, फुर्सत के पल हो, और वहाँ देयर इज़ अ लिटिल ग्रीफ, थोड़ा सा दुख हो, वॉज अ सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोयम, विच पोयम वॉज इट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जॉन मिल्टन्स लिसिडास। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, यहाँ से आपका पैसेज आ गया है, रेड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन केयरफुली, ये आपका पैसेज है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ओके चलिए फिर आंसर की तरफ चलते हैं इसके, ठीक है। माल्थस डोमशेड सॉरी डोम्सडे प्रिडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू मेजर रीजन्स दे आर, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट, इन द पास्ट 45 ईयर्स इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन अबाउट, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1.5 times। नेक्स्ट आपके पैसेज के क्वेश्चंस हैं, फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑलवेज बीन डैश पॉपुलेशन ग्रोथ, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्टैग्नेंट। नेक्स्ट, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द बर्थ रेट इज, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, डबलिंग। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 to 1995 ग्रू नियरली, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 4 times। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चंस वो फिनिश हो गए हैं पैरा के। ओके देख लेते हैं आगे, यहाँ पे मीनिंग का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमको बताना है एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एकोमोडेशन, ECOMMODATION, एकोमोडेशन। ओके एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, आवास, यहीं पे इसको भी देख लेते हैं एडमिशन का, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ADMISSION एडमिशन। ओके नेक्स्ट, एड्रेस की हमको स्पेलिंग सही बतानी है कि कौन सी एड्रेस की स्पेलिंग सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ADDRESS एड्रेस। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, ये वॉइस से क्वेश्चन है, दो फॉरेनर्स प्रेज्ड रविन्द्रनाथ गीतांजलि इंडियास क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट इन द बिगनिंग, ये आपका इसको क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलते हैं हम इसको, ये प्रेज्ड है, एक मिनट,
प्रेज्ड है यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज या वर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाई फॉरिनर्स, इट वॉज इग्नोर्ड बाई इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगनिंग। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये भी पैसिव का ही है। वन मिनट। द सिक्योरिटी गार्ड्स हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पैसिव वाइज में चेंज करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हैड है, तो पैसिव वाइज में हैड बीन हो जाता है। एवरी एग्जिट हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका पैसिव वाइज ही करना है। ही नीदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड देम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दे आर नीदर क्वेश्चंड नॉर अंडरस्टूड बाय हिम। ओके, इजी था, टफ नहीं था, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। एक्टिव पैसिव आप ही लोग कहते हैं कि मैम ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए नरेशन और एक्टिव पैसिव। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट है, इसका इम्पैक्ट किस पे था। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रोमांटिक लिटरेचर पे इसका इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्प्रिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। किसे देख के मिरांडा ये कहती है, ओ फादर श्योरली दैट इट इज अ स्प्रिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, फर्डिनेंड को। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री। निम्नलिखित में से कौन सा इमेजिस्ट पोएट्री के बारे में सही नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। हम आंसर की तरफ चलते हैं। द इमेजिस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड यूजेस, सीखता है हिस्ट्री से और इसका यूज करता है। लाइक अ साइंटिस्ट डज नॉट डील इन इमोशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ क्रिटिक। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ क्रिटिक नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, रेमोंड विलियम्स। ये मिथ क्रिटिक में नहीं आते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, अपनी वर्ब फिल करनी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, आई गेव अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। नेक्स्ट, एब्रीवेशंस दैट स्पेस एंड हेंस दे आर वेरी कॉमन इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो यहाँ पे भी हमको अपनी वर्ब फिल करनी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेव। ओके नेक्स्ट, डू यू डैश अ डायरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा। डू यू कीप अ डायरी, डायरी वरी रखने के लिए यहाँ पे हम कीप लगाते हैं, ना कि हैव लगाते हैं। ओके नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, द ओल्ड वुमेन पिक्ड अप द हैवी बैग विद ग्रेट डिफिकल्टी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको वॉइस में चेंज करना है, द ओल्ड वुमेन पिक्ड अप द हैवी बैग विद ग्रेट डिफिकल्टी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द हैवी बैग वॉज पिक्ड अप बाय द ओल्ड वुमेन विद ग्रेट डिफिकल्टी। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन फिल्म बाय मेल गिब्सन। यहाँ पे भी हमको ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैज़ एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन बीन सीन बाय यू। सॉरी, ये आपका एक्टिव वॉइस में ही है, इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो हैज़ एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन बीन सीन बाय यू। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द टीचर वॉन्ट्स अस टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमैरो। इसको भी करना है, आपको पैसिव वॉइस में ही करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, वी आर वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमैरो बाय द टीचर। ओके नेक्स्ट,
द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरिलिज्म वॉज क्वाइंड बाई, ये जो टर्म है ना ये इकोलॉजिकल इम्पेरिलिज्म, ये किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एल्फ्रेड क्रॉस बाई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश पोएट्स डिफाइंड पोइटिक इमेजिनेशन एज अ रिपीटिशन द फिनिट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन द इन द इन्फिनिट एम। मतलब यहाँ पे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश पोएट है जिसने डिफाइन किया है पोएटिक इमेजिनेशन को अ रिपीटिशन इन द फिनिट माइंड ऑफ अ इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इन्फिनिट एम के रूप में? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एस टी कॉलरिज। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्टीलिंग हरसेल्फ टू द मर्डर, लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन टू अनसेक मी हेयर, चूज द राइट ऑप्शन टू द टू फिल इन द ब्लैंक। हमको यहाँ पे फिल करना है राइट ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द स्पिरिट्स ऑफ हेल। ओके, तो इस ये थे आपके 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।